हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं हूँ दिशा, स्वागत करती हूँ आपके अपने ही परिवार फिजिक्स गुरु में, जहाँ हम पढ़ रहे हैं ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स। की क्लास हमारी केमिस्ट्री के लिए है और हमारी इसमें क्या है, बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर में जो है हमारी दो बुक है केमिस्ट्री की। इसमें पहली हम क्या कर रहे हैं, पहली बुक पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक सिंथेसिस ए, और इसकी यूनिट हमारी क्या चल रही है, सेकेंड केमिस्ट्री ऑफ एल्किन्स, सेकेंड यूनिट चल रही है। और इसका क्या है हमारा टॉपिक, हम क्या पढ़ रहे हैं, मैथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एल्किन्स, एल्किन्स के फॉर्मेशन के हम मेथड पढ़ रहे हैं। ये हमारा सेकंड मेथड है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। अल्कोहल्स के डिहाइड्रेशन से क्या बनाना सीखेंगे हम, एल्किन्स। और डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, पहले आप इसमें ये देखो, रिमूवल ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, ये इधर साइड में लिख लेना आप, किसका मीन है, डिहाइड्रेशन का, रिमूवल ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। यानी कि जैसे कि हम बोल रहे हैं कि हमें क्या करनी है, अल्कोहल की डिहाइड्रेशन करनी है, अल्कोहल की क्या करनी है, हमें डिहाइड्रेशन कर रहे हैं, इसका मतलब कि हम उसमें से क्या कर रहे हैं, वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव कर रहे हैं। समझ गए होंगे क्या कह रही हूँ मैं, रिमूव कर। और जब हम अल्कोहल्स की डिहाइड्रेशन करते हैं, अल्कोहल्स की हम जब डिहाइड्रेशन करते हैं तो हमें क्या मिल जाती है, हमें एल्किन्स मिल जाती है। और हम ये डिहाइड्रेशन हम करते कैसे हैं, सूटेबल अल्कोहल लेते हैं, उसे हीट करते हैं प्रोटोनिक एसिड के साथ, प्रोटोनिक एसिड जैसे कि कंसनट्रेटेड H2SO4 और H3PO4 के साथ, फिर हमें क्या मिल जाती है, एल्कीन मिल जाती है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम लुईस एसिड का भी यूज़ कर सकते हैं, किसका, लुईस एसिड का भी हम क्या कर सकते हैं, इसमें यूज़ कर सकते हैं। एग्जांपल की बात करें लुईस एसिड में, तो एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड और एलुमिना जो है, एलुमिना को भी क्या कर सकते हैं, हम यूज़ कर सकते हैं। तो हम इसके एक दो एग्जाम्पल देखेंगे, ये हमें और क्लियर हो जाएगा। वैसे तो आसान सा है, आपको पता ही चल गया होगा क्या है ये डिहाइड्रेशन, हम क्या करेंगे, अल्कोहल के डिहाइड्रेशन से एल्किन बनाएंगे। अल्कोहल के डिहाइड्रेशन कैसे करते हैं हम, इसका डिहाइड्रेशन कैसे करते हैं हम, वाटर के जो मॉलिक्यूल है उसको रिमूव कर देते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेशन बोलते हैं। क्लियर हो गया होगा। अब जैसे कि ये हमने ले लिया है मोनोहाइड्रेट अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला है CnH2n है, ये गलत हो गया, यहाँ H2n लिख लिया, CN मोनोहाइड्रेट अल्कोहल का क्या है जनरल फॉर्मूला है CnH2n+1OH। इसको क्या करा, प्रोटोनिक एसिड के साथ क्या करा, हीट किया, ले लिया क्या H2SO4, हमें क्या मिल गई, एल्किन CnH2n+H2O जो है ये हमारा बाहर निकल गया। ठीक है, इसका एक और एग्जांपल लेके देखो, देखो क्या है? इसे हमने, ये आपको समझ में आ गया ना ये वाला, ये इसमें क्या करेंगे हम, हीट किया हमने, यहाँ H2SO4 या H3PO4 भी ले सकते थे, हमें क्या मिलता, एल्किन ही मिलता। ठीक है, पहले एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हाँ स्क्रीनशॉट हो गया होगा। अब देखो इसमें क्या है, अब हमारे पास टेम्परेचर क्या होगा और हमारे पास जो एसिड है, ठीक है, क्या है एक बात समझो आप, हमारे पास टेम्परेचर क्या होगा और हमारे पास जो एसिड है इसकी स्ट्रेंथ क्या होगी। ठीक है, ये किस बात पर डिपेंड करता है कि हमारे पास जो अल्कोहल यूज़ कर रहे हैं उसका नेचर कैसा है। ठीक है, हमारा जो ये है ना, ये एसिड और टेम्परेचर किस बात पर डिपेंड करता है, इस बात पर डिपेंड करता है कि हम अल्कोहल कौन सी ले रहे हैं, इस बात पर डिपेंड करता है। उसी हिसाब से हम टेम्परेचर लेंगे, उसी हिसाब से हम एसिड लेंगे, कितना लेना है, कितना यूज़ करना है। अभी मैं एग्जांपल करूँगी तो आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या बोल रही हूँ, तो तभी हमारी एल्किन मिलेगी। जैसे कि अब आप एग्जांपल देखो, ये वाला एग्जांपल ले लिया हमने, यहाँ एग्जांपल CH2OH, ये हमारा क्या है, एथिल अल्कोहल, ये हमारा एथिल अल्कोहल हो गया, एथिल अल्कोहल हो गया। इसका जो एसिड है इसमें हम कितना लेंगे, 95% प्रोटोनिक एसिड H2SO4 लेंगे।
ठीक है। और जो इसका टेम्परेचर होगा वो कितना लेंगे, 443 से 453 केल्विन तक इसका टेम्परेचर होगा। और हमें क्या मिल जाएगी, एल्कीन मिल जाएगी, H2O हमारा क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, ये हमारी क्या बन गई, एथीन। ठीक है, तो क्या अभी एक दो एग्जांपल और लिखूंगी आपको, ये जब भी क्लियर होगा। देखो हमने क्या करा, यहाँ कितनी प्रोटोनिक एसिड कितना लिया, H2SO4 95% लिया, और टेम्परेचर कितना लिया, 443 से 453 केल्विन टेम्परेचर लिया। किसके लिए, ये क्या हमारी प्राइमरी अल्कोहल है ये हमारा, ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल है। तो इसके लिए कितना टेम्परेचर चाहिएगा हमें, इतना टेम्परेचर चाहिएगा, तब हमें क्या होगी, एथीन प्राप्त होगी, यानी कि एल्कीन प्राप्त होगी। इसके लिए एक बार स्क्रीनशॉट लो, एक दो एग्जांपल और समझाऊंगी आपको, क्लियर हो जाएगा मैं कहना क्या चाहती हूँ। स्क्रीनशॉट हो गया होगा, ये वाला एक एग्जांपल समझा था ना, अब इसके ऊपर मैं यहाँ एक दो एग्जांपल बताऊंगी आपको। यहाँ ये एग्जांपल नंबर 2 हमने ले लिया, CH3, ये हमारा है सेकेंडरी अल्कोहल, आइसो प्रोपिल अल्कोहल, ये हमारा है सेकेंडरी अल्कोहल, वो हमारा प्राइमरी था, ये सेकेंडरी। अब इसमें देखो जो हम प्रोटोनिक एसिड लेंगे, इसमें 95% यूज हो रहा था, इसमें कितना होगा ये देखो, इसमें 60% होगा H2SO4, और इसका टेम्परेचर देखो थोड़ा सा कम है, कम जितना टेम्परेचर यहाँ लिया था इससे थोड़ा कम है ना। तो हमें क्या मिलेगी, अब यहाँ एल्कीन मिल जाएगी, CH3CH2+H2O हमारा बाहर निकल जाएगा, ये बन गया हमारा प्रोपाइलीन जो भी बोलते हो आप, ठीक है। एक एग्जांपल और यहाँ लिखूँगी, ये लेंगे हम, ये हमारा प्राइमरी अल्कोहल था, ये सेकेंडरी अल्कोहल है, अब हम टर्सरी अल्कोहल लेके देखते हैं, CH3 OH, ये हमारा क्या है, टर्सरी, टी लिख दिया मैंने, टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल, यह है टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल। इसमें देखो जो हमारा ये चाहिएगा प्रोटोनिक एसिड, कितना कितने की जरूरत पड़ेगी, 20% H2SO4, टेम्परेचर ये देखो और भी कम हो गया इसका टेम्परेचर, 358 से लेकर 363 केल्विन, अब हमें मिल जाएगी यहाँ एल्कीन, CH3CCH2CH3+H2O बाहर, ये है हमारा आइसोब्यूटाइलीन। एक बार स्क्रीनशॉट लो फिर बताती हूँ, ठीक है, हो गया होगा स्क्रीनशॉट, ये आपको पता ही चल जाता होगा कहाँ क्या हो गया, वो आप ठीक कर लिया करो, मुझसे हो जाती है कभी कभी गड़बड़, ठीक है। तो इसमें क्या है, हम पहले इस वाले एग्जांपल आते हैं, इस वाले एग्जांपल पर आते हैं क्योंकि यहीं से स्टार्ट किया था हमने। तो आप देखो जब हमने क्या लिया था, जब हमने इन अल्कोहल की क्या की, डिहाइड्रेशन की, इन अल्कोहल की डिहाइड्रेशन करके ही तो हमने एल्कीन प्राप्त की, ठीक है। तो इसमें क्या करा, ये देखो जब हमने प्राइमरी अल्कोहल की क्या की, डिहाइड्रेशन, तो हमने प्राइमरी अल्कोहल लिया, तब टेम्परेचर कितना था देखो, 95% टेम्परेचर था 443 से 453 केल्विन, ठीक है, टेम्परेचर देख रहे हो आप। जब हमने लिया सेकेंडरी अल्कोहल लिया तो टेम्परेचर कितना था, 60% टेम्परेचर इधर है 413 केल्विन ही तो लिया था टेम्परेचर। और जो हमारा टर्सरी था उसमें जो हमने टेम्परेचर लिया 358 से 363 केल्विन लिया, तो क्या हुआ,
यही बात क्या कर रहे थे हम, यही बात बोल रहे थे, आपने जब सुनी हो अभी, हम ये बात बोल रहे थे कि जो एसिड की स्ट्रेंथ है या टेम्परेचर है, वो बात जो मैं समझा रही थी कि वो आप आगे चल के समझोगे, वो आप समझने वाली आ गई है कि जो एसिड की स्ट्रेंथ है या टेम्परेचर है वो किस पर डिपेंड करता है, एसिड के नेचर पर डिपेंड करता है। ठीक है, किस पर डिपेंड करता है, एसिड के नहीं अल्कोहल के नेचर पर क्या करता है, डिपेंड करता है कि इसका नेचर कैसा है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्सरी है। ठीक है, समझ गए होंगे कि किसके लिए कितना टेम्परेचर की आवश्यकता पड़ेगी तभी हमें एथीन प्राप्त होगी। अगर हम प्राइमरी अल्कोहल ले रहे हैं तो उसके लिए इतना टेम्परेचर चाहिएगा, जो हम सेकेंडरी लेंगे तो उसके लिए इतना टेम्परेचर होगा, जो हम टर्सरी लेंगे उसके लिए इतना टेम्परेचर होगा। समझ में तो आ रहा है ये इतना, ये लिख लेना आप, कभी समझ में नहीं आया ये इतना है, ये यहाँ है, फिर ये ऐसे करके आपको समझ में आ जाएगा, ये ऐसे अच्छी तरीके से लिख लेना। हो गया होगा, तो आप देखो टेम्परेचर तो कम होता ही जा रहा है, यहाँ ज्यादा था फिर इसमें कम हो गया टेम्परेचर, और इसमें सबसे ज्यादा कम हो गया टेम्परेचर, तो कम हो ही हो रहा है इसका। ये देखो जो इसका जिस एसिड में इसके प्रोटोनिक एसिड ले रहे हैं उसमें इसका ये भी कम हो रहा है, देखो 95%, ये 60% है, फिर 20% है, तो दोनों कम हो रहे हैं ना, टेम्परेचर भी कम हो रहा है और ये भी कम हो रहा है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसका ऑर्डर हम क्या कर सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं इसका ऑर्डर डिहाइड्रेशन का एल्कोहल में, उसकी सीक्वेंस होगी क्या, डिहाइड्रेशन का जो हम क्या लिखेंगे ऑर्डर अल्कोहल में, उसकी सीक्वेंस क्या होगी, एक मिनट इसे मिटाई दूं, स्क्रीनशॉट हो गया होगा, जो ऑर्डर होगा डिहाइड्रेशन का अल्कोहल में उसकी सीक्वेंस देखो, यही तो होगा है ना, यही तो होगा, कम होता जा रहा था टेम्परेचर, टर्सरी में ज्यादा था, सेकेंडरी में उससे कम था, टर्सरी में सबसे ही कम था। अब इसे आप NOTE नोट लिख के लिख लेंगे, ये क्या है, इसमें समझ लो आप, जब हम अल्कोहल की डिहाइड्रेशन करते हैं किसमें, टर्सरी में, कैसे करते हैं, हम क्या करते हैं, सुटेबल अल्कोहल लेते हैं और उसके वेपर को पास करते हैं ओवरहीटेड एलुमिना, वो 623 से 633 केल्विन। ठीक है, अब आप यहाँ एग्जांपल देखो, CH3 CH2 ये ले लिया, Al2O3 623 से 633 केल्विन, तो हमें क्या मिल जाएगी, एल्कीन मिल जाएगी, CH2 CH2 H2 हो गया भार, ये हमारा हो गया एथीन। ये नोट करके साइड में लिख लेना, जब हम टर्सरी में कैसे करते हैं अल्कोहल की डिहाइड्रेशन, हमने पढ़ लिया है कैसे करते हैं, हम क्या करते हैं सुटेबल अल्कोहल लेते हैं और उसके वेपर को पास करते हैं ओवरहीटेड एलुमिना को 623, ओवरहीटेड एलुमिना को 623 से 633 केल्विन पर। आप देख सकते हैं ये वाली रिएक्शन, देखो ये हमारी क्या मिल गई, एथीन, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो अब देखो हम क्या देखेंगे, मैकेनिज्म, तो इसमें क्या है मैकेनिज्म में, तो हम किसकी मैकेनिज्म देख रहे हैं, मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, बेसिकली हमारे पास डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल ये एग्जांपल है किसका, ईवन रिएक्शन का। ये चीज मतलब मैं ये पढ़ के समझाती नहीं हूँ, मैं वो चीज़ समझा रही हूँ आपको, वो आप खाली स्क्रीनशॉट लिया करो,
ऐसे नहीं बताती मैं आपको, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, फिर इसकी हिंदी बताऊंगी, फिर इसको समझाऊंगी, मैं एक बार ही समझा दे रही हूँ, ठीक है। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ इवन रिएक्शन, इट्स मैकेनिज्म इन्वॉल्व थ्री स्टेप। तो इसमें क्या है, हम क्या देखते हैं, मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, बेसिकली हमारे पास डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल है, ये एग्जाम्पल है किसका, इवन रिएक्शन का। इसके अंदर हमारे पास मैकेनिज्म में, ठीक है, इसके अंदर हमारे पास मैकेनिज्म में कितने, थ्री स्टेप हैं। तो थ्री स्टेप के अंदर हम पढ़ेंगे इसके मैकेनिज्म। तो इसमें कौन कौन से, ईवन रिएक्शन हमने पहले भी पढ़ रखी है, ईवन और ई टू दोनों रिएक्शन हमने पढ़ रखी है। तो देखो हमारे तीन 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 में से जो हमारा पहला स्टेप है, स्टेप वन, हमारे पास जो एल्कोहल है वो लुईस बेस है, तो प्रोटोन को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, ठीक है। पहला स्टेप जो है वो क्या है, एल्कोहल है वो लुईस बेस है, तो वो प्रोटोन को एक्सेप्ट करता है फ्रॉम स्ट्रोंग एसिड और प्रोनेटेड एल्कोहल को, प्रोटोनेटेड एल्कोहल मॉलिक्यूल को। सारी चीजें यहाँ लिखी हुई है जो मैं बोल रही हूँ। और किसकी फॉर्मेशन करता है, ऑक्सेनियम आयन, ठीक है, समझ में आ गया, उसको प्रोटोनेटेड एथिल एल्कोहल या प्रोटोनेटेड एथिल एल्कोहल या क्या बोलते हैं, ऑक्सेनियम आयन। अब जैसे एग्जांपल में ये हमने ले लिया है, अभी क्या है, ये लुईस बेस है, प्रोटॉन को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, ठीक है, क्या ये लुईस बेस है, प्रोटॉन को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, तो क्या आ जाएगा हमारा यहाँ, ये CH3 ऑक्सेनियम आयन, ये प्रोटोनेटेड एथिल एल्कोहल, या इसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सेनियम आयन, CH3 CH2 OH, ठीक है, समझ में आ गया होगा। लोन पेयर गए हैं तो इसीलिए इसके ऊपर क्या आया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, समझ में आया। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। इसका नाम लिख दूं यहाँ, ये क्या हमारा, ऑक्सेनियम आयन। वैसे यहाँ सारा कुछ लिखा हुआ है जो आप पढ़ते होंगे इसे क्लास के बाद, अगर आप पढ़ते होंगे नोट्स को तो आपको खुद ही सारी चीज़ें समझ में आ जाती होंगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ इसका नाम नहीं लिखा, इसका नाम नहीं लिखा, सब इसके अंदर लिखा हुआ है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो सेकंड स्टेप, सेकंड स्टेप यहाँ से लिख लेना आप अपने हिसाब से, नोट्स बनाना मतलब लिख लेना अपने हिसाब से। सेकंड स्टेप, फर्स्ट स्टेप हमारा ये वाला हो गया, ये है ऑक्सेनियम ओ है यहाँ, ऑक्सेनियम आयन। तो सेकंड स्टेप में क्या है, हमारे पास जो ये पॉजिटिव चार्ज आया है, ये यहाँ हमने क्या लिखा है, ये ऑक्सेनियम आयन ही है, ये फर्स्ट स्टेप में जो आया था ये हमारा, यहाँ ये ऑक्सेनियम आयन है। तो इसके ओ के ऊपर, ऑक्सीजन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज क्या आता आया है, ये क्या करता है, CO बॉन्ड को क्या कर देता है, वीक कर देता है ना, किसको कर देता है वीक, जो CO बॉन्ड है उसको वीक कर देता है, ये C और O के बीच जो बॉन्ड है उसको क्या कर देता है, ये वीक कर देता है। तो इसके कारण हमारे पास वेरी इजीली, ठीक है, बड़ी आसानी के साथ क्या हो जाता है, वाटर का मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाता है और कार्बोकेटायन की क्या हो जाती है, फॉर्मेशन हो जाती है। यही चीज़ यहाँ लिखी है, द प्रेजेंस ऑफ द पॉजिटिव चार्ज ऑन द ऑक्सीजन एटम इन ऑक्सेनियम आयन वीकन्स द CO बॉन्ड एंड दस इट रेडियली एलिमिनेट्स ए मॉलिक्यूल ऑफ वाटर फॉर्मिंग ए कार्बोकेटायन। हमें क्या है? मिल जाता है कार्बोकेट आयन CH3 CH2, ये क्या हो जाएगा, ये एरो ही हम इसे ऐसे शो करेंगे, हो गई हमें फॉर्मेशन किसकी, कार्बोकेट आयन की, ये ठीक है, क्लियर हो गया। एक बार स्क्रीनशॉट लो, फिर स्टेप थ्री की तरफ चलते हैं। ये क्या है हमारे पास, एथिल कार्बोकैटायन, नाम लिख लिया करो लिखना हो तो, एथिल कार्बोकैटायन, और साथ में क्या हो गया हमारा, वाटर एलिमिनेट हो गया। अब स्टेप थ्री, इतना हमारा हो गया था, कंफ्यूज मत होना, नोट्स बना रहे होंगे ना, इतना ये हमारा हो गया था। अब ये है हमारा स्टेप थ्री,
द कार्बोकैटायन फॉर्म्ड इन स्टेप टू बीइंग ए रिएक्टिव केमिकल स्पीसीज एलिमिनेट्स ए प्रोटोन फ्रॉम बीटा कार्बन एटम टू फॉर्म एन एल्किन. वो स्पीसीज लिखा हुआ है वहाँ. तो अब देखो स्टेप टू में हमारे पास ये जो कार्बोकैटायन, स्टेप टू में हमारे पास ये जो कार्बोकैटायन फॉर्म हो रही है ये काफ़ी रिएक्टिव केमिकल स्पीसीज है. तो ये क्या करता है, बीटा कार्बन एटम से प्रोटोन को एलिमिनेट करता है और एल्किन की क्या हो जाती है, फॉर्मेशन हो जाती है. ये हमारा कौन सा स्टेप है, यह है स्टेप थर्ड. तो इसमें क्या करेंगे, हम एरो को ऐसे शो करेंगे, इसमें यहाँ ऐसे एरो को ऐसे शो करेंगे तो तभी हमें क्या हो जाएगी, एल्किन की फॉर्मेशन. देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस प्रोटोन, ये हमारे पास इथाइलिन आ गया, हो गया होगा. थर्ड स्टेप भी आपको क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, नोट्स पढ़ के जरूर देख लिया करो और अच्छे से समझ में आ जाएगा. तो हमारा ये नेक्स्ट मेथड है, दो हो गए थे, तीसरा मेथड है किसका, एल्किन्स के फॉर्मेशन का, डी हेलोजिनेशन ऑफ विशिनल डाई हेलाइड्स. द डाई हेलोजन कंपाउंड इन विच द टू हेलोजन एटम्स आर अटैच टू द एडजसेंट कार्बन एटम्स आर कॉल्ड विशिनल डाई हेलाइड्स. दीज व्हेन हीटेड विद जिंक डस्ट लॉस ए मोलिक्यूल ऑफ हेलोजन एज जिंक हेलाइड्स टू फॉर्म एल्किन्स. द रिएक्शन इज नोन एज डीहैलोजिनेशन. पहले आप जान लो विशिनल डाइहैलाइड्स होते क्या हैं, वो डाइहैलोजन कंपाउंड जिनमें टू हाइड्रोजन एटम अटैच हो एडजेसेंट कार्बन एटम पर, उन्हें हम बोलते हैं विशिनल डाइहैलाइड्स. जैसे यहाँ ये Br और Br अटैच्ड हैं, इन्हों को क्या बोलते हैं हम, विसिनल डाइहैलाइड्स. एक बार वो सुन लो, वो डाइहैलोजन कंपाउंड जिनमें टू हाइड्रोजन एटम अटैच हो एडजेसेंट कार्बन एटम पर, उन्हें हम बोलते हैं विसिनल डाइहैलाइड. ठीक है, ये एग्जांपल लिया हमने 1,2-dibromoethane. ये यहाँ पे लिखा हुआ, दीज व्हेन हीटेड विद जिंक डस्ट लॉस ए मॉलिक्यूल ऑफ हैलोजन एज जिंक हैलाइड टू फॉर्म एल्किन्स. द रिएक्शन इज नोन एज डाइहैलोजिनेशन. इसे हमने क्या किया, हीट किया, और जब हम इन्हें हीट करते हैं किन्हें, विसिनल डाइहैलाइड्स को, जब हम इन्हें हीट करते हैं जिंक डस्ट के साथ, तो ये जिंक हैलाइड्स की फॉर्म में मोलिक्यूल क्या कर देते हैं, मोलिक्यूल लॉस कर देते हैं. ठीक है, मोलिक्यूल क्या कर देते हैं, लॉस कर देते हैं, और हमें क्या प्राप्त हो जाती है, एल्किन प्राप्त हो जाती है. एल्किन की क्या हो जाती है, फॉर्मेशन हो जाती है. ये ले लिया हमने 1,2-dibromoethane, हीट किया, अब हमारे पास क्या प्राप्त हो जाएगी हमें, एल्किन CH3CH2. तो ये क्या आ गई हमारे पास, प्रोपीन. ये ZnBr2 क्या हो जाएगा हमारे पास, बाहर निकल जाएगा. यहाँ हमारे पास यहाँ ZnB है, एक सेकंड रुको, मैं दोबारा ही लिख देती हूँ, ये मिस्टेक, यहाँ ZN है. फिर इसे हीट करेंगे एल्कोहल, तब बनेगी हमारे पास एल्कीन CH3CH2 प्रोपीन. ये ZnBr2 बाहर हो जाएगा हमारा. ये एक बार एक एग्जांपल और देख लो, यहाँ हमारा ये एथेन बनेगा. ये नेक्स्ट वाले एग्जांपल मिलेंगे, ये हमारा क्या बनेगा, एथेन बनेगा. गड़बड़ी हो रही है, तो CH2 double bond CH2 प्लस ZN, ये ठीक कर लेना, ZnBr2 क्या बनेगा, ये हमारे एथीन. ठीक है, अब ठीक हुआ, देख लो एक बार.
ठीक कर लेना इसे, कभी कंफ्यूज हो जाओ, एक बार ठीक कर लेना देख के। अब एक और एग्जाम्पल लेंगे हम, CH3CH CH2, ये इससे यहाँ अटैच है, ये यहाँ अटैच है, जिंक ले लिया, हीट किया, एल्कोहल, इसका नाम लिख लो 1,2-डाइब्रोमो, यहाँ लिख दूँ, हाँ ये लिख दूँ 1,2, मैं बोल रही हूँ अगर नहीं दिखेगा 1,2-डाइब्रोमो प्रोपेन, प्रोपेन ये एथेन था, ये प्रोपेन है, 1,2-डाइब्रोमो प्रोपेन। तो ये हमारा बन जाएगा प्रोपीन, एल्कीन आ गई है हमारी यहाँ, और यहाँ हमारा ZnBr2 बाहर। स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, और आप समझ लो जब हम इन्हें हीट करते हैं जिंक डस्ट के साथ, तो ये जिंक हैलाइड्स की फॉर्म में मॉलिक्यूल को लॉस कर देते हैं, और हमारे पास एल्केन की क्या हो जाती है, फॉर्मेशन हो जाती है। ये फॉर्मेशन हो गई है। अब आगे इसे नोट डाल के लिख लेना, NOTE नोट, और ये नोट इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। दिस रिएक्शन इज नॉट ए यूजफुल मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्किन सिंस द डाई हैलाइड्स नीडेड फॉर पर्पज आर देमसेल्व्स प्रिपेयर्ड फ्रॉम एल्किन्स बाय द एडिशन ऑफ हेलोजन्स। हाउएवर दिस मेथड इज वेरी सुटेबल फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ कंपाउंड्स कंटेनिंग डबल बॉन्ड्स फॉर प्रोटेक्शन ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इन केमिकल रिएक्शन। अभी जो मेथड हमने देखा, तो इसमें ये नोट में क्या कहता है, अभी जो हमने मेथड देखा वो काफ़ी यूजफुल नहीं है एल्कीन्स की प्रिपरेशन के लिए। ऐसा क्यों है वो सुनो। देखो हमने देखा कि हमें डाई हैलाइड्स की ज़रूरत होती है एल्कीन्स की प्रिपरेशन करने के लिए, लेकिन जो डाई हैलाइड्स आते हैं वो खुद तब आते हैं जब हम एल्कीन्स में हेलोजन ऐड करते हैं, यानी के खुद एल्कीन से आ रहे हैं। दैट्स वाई ये रिएक्शन यूजफुल मेथड नहीं है एल्कीन्स की प्रिपरेशन करने के लिए। लेकिन इस मेथड की खास बात, हाउएवर दिस मेथड इज वेरी सुटेबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ, लेकिन इस मेथड की खास बात यह है कि हमारे पास ऐसी केमिकल रिएक्शन जहाँ पर हम ऐसे कंपाउंड की प्योरिफिकेशन कर रहे हो जहाँ पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, वहाँ पर ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की प्रोटेक्शन करते हैं, तो उस केस में ये काफ़ी यूजफुल मेथड है। तो इसको आप समझ में आ गया होगा क्या है ये क्या नहीं, इसको नोट कर लो और इस पे इम्पोर्टेंट डाल लेना। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, मैकेनिज्म, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैकेनिज्म समझते हैं कि किस तरीके से अब हम विसिनल डाई हैलाइड्स की डाई हैलोजिनेशन कर रहे थे और हमारे पास फॉर्मेशन हो रही थी एल्कीन्स की, ठीक है। एल्कीन्स की जो हमारे पास डिहेलोजिनेशन है विसिनल डाई हैलाइड्स की, ये होती है थ्रू E2 मैकेनिज्म। डिहेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाई हैलाइड्स अकर बाय एन E2 मैकेनिज्म। अब इधर देखो, ये ले लिया हमने 1,2-डाइब्रोमोप्रोपेन, ये जिंक है, ये गया इधर, ये गया इधर, और ये गया इधर, और ये गया इधर, ठीक है। ये ट्रांजिशन स्टेट हम यहाँ इसके दिखाएंगे, ये इतना मैंने लिख लिया। आप देखो यहाँ क्या क्या हो रहा है वो मैं आपको बताऊंगी। यहाँ ये जेड एन और बी आर के बीच में तो क्या है, बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। तो इसे देखो कैसे शो करेंगे हम, जेड एन ऐसे डॉट डॉट से शो कर देंगे हम, ये जेड एन, यहाँ जेड एन और ये डॉट डॉट बी आर के बीच में क्या हो रहा है, बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसलिए इस पे क्या आएगा, पार्शियल चार्ज।
ये क्या हो रहा है, इसके बीच में बॉन्ड क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहा है, तो उसे हमने डॉट डॉट से शो कर दिया। अब यहाँ देखो बॉन्ड, ये यहाँ सी सी कार्बन कार्बन के बीच में, यहाँ ये बॉन्ड क्या हो रहा है, डबल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, इसे भी हमने डॉट डॉट से शो कर दिया। यहाँ ये शो हो रहा है कार्बन कार्बन के बीच में, ये ऐसे, और ये वाला बॉन्ड क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, तो ये ऐसे शो कर दिया हमने, ब्रेक हो रहा है बी आर, यहाँ बी आर ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो इसलिए क्या पार्शियल नेगेटिव चार्ज शो कर दिया है। क्लियर हो गया, ये क्या हमारी ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। और यहाँ हमारे पास क्या मिल जाएगी हमें, एल्कीन, यहाँ हमें मिल जाएगी एल्कीन, जेड एन बी आर टू बाहर, ये हमारे पास मिलेगी हमें प्रोपीन, ये यहाँ आएगा, ये यहाँ है ना, तो ये यहाँ आएगा, यहाँ ये बोन, यहाँ ये बी आर क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ठीक है। अब लो इसका स्क्रीनशॉट, समझ में आ गया होगा। यहाँ जो है जेड एन और बी आर के बीच में बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, जेड एन इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसलिए पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज हमने शो कर दिया। और जब इनके बीच में क्या हो रहा है, बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, यहाँ बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, यहाँ ब्रेक हो रहा है, और कार्बन कार्बन के बीच में क्या हो रहा है, यहाँ पर भी एक बॉन्ड बन रहा है। ये क्या हो गई, ट्रांजिशन स्टेट हो गई हमारी, ठीक है। और ये हमारे पास क्या हो गई, फॉर्मेशन प्रोपेन की। तो आपको आज का ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा, एक बार पढ़ के देख लिया करो, इसमें नोट्स में ये चीज़ें लिखी रहती हैं जो हम समझाते हैं आपको, और अच्छे से समझ में आ जाएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।